क्या लगता है टू स्टे सो रेलेवेंट? समटाइम कुछ लक होती है. आपको लगता है आप लकी हैं? मुझे लगता है. ये जो आपको मुस्कान नामी लड़की ने एक बार तंग किया था यार, मुस्कान का तो हाथ भी इतना भारी था, उन्होंने तो रख के दौड़ 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 3 चपेड़े दिए, तो मैं तो घूम गया यूं करके. मेरे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनमें इंस्पिरेशन मैंने अपने बहुत सारे सीनियर एक्टर्स से ली. तो हर स्क्रिप्ट को मैं 4-5 एंगल से पढ़ता हूँ. मैं सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता हूँ. जब आप पे बुरा वक्त है, कोई आपका नहीं. चढ़ते सूरज की पूजा है इस इंडस्ट्री में. क्यूट अलग है. जावेद साहब ने बात की, वहाँ पे कुछ कम अकल लोग बैठे हुए थे जिन्होंने तालियां बजा दी. गोविंदा जी जैसे अजीम एक्टर्स या अक्षय कुमार जैसे बड़े एक्टर्स, वो उमर भाई के पैरों में बैठते. देखिए एक्टर फैसल कुरैशी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ वोक बाय कैपिटल पर. स्टे ट्यून्ड. अच्छा जी, 90s के बूता एंड रीसेंट मुकद्दर, यार क्या सीन है? आप इतने रेलेवेंट अभी तक क्यों हैं? यू आर सो रेलेवेंट, यू हैव दैट सेम अमाउंट ऑफ लव. अभी भी औरतें आपके पीछे बिल्कुल गागा हैं. क्या है और व्हाट डज इट टेक फॉर एन एक्टर लाइक यू, जो इतना सीजनड एक्टर है? मतलब यू हैव डन ऑल सॉर्ट्स ऑफ रोल. अगर किसी अगर पोर्टफोलियो निकाल के देखा जाए तो यार आपने हर किस्म का रोल कर लिया है, ठीक है? एंड आई एम प्रीटी श्योर देयर इज मोर टू कम. क्या लगता है टू स्टे सो रेलेवेंट? समटाइम कुछ लक होती है. आपको लगता है आप लकी हैं? मुझे लगता है कि बहुत लकी हूँ. बिकॉज होता यही है कि स्क्रिप्ट्स ऑफर होते हैं हर एक्टर को होते हैं. मुझे बड़ी बिगनिंग में आफ्टर बूटा फ्रॉम टूबर टेक सिंह मुझे कुछ एक दो ऑफर्स आई. मैंने स्क्रिप्ट्स पढ़े, मैंने कहा यार ये तो बड़ा मिलता जुलता कैरेक्टर है बूटे से, तो ये मैं क्यों करूँ? बिकॉज अभी मैंने बूटा किया है. तो फिर कुछ ये हुआ कि वो एक आवाज़ बननी शुरू हो गई. तो मैंने शुरू में ज़रा ज़ोर लगाया था, शुरू में थोड़ा सा और बहुत थोड़ा सा, तो वो एक आवाज़ बनती चली गई कि नहीं यार इसको ज़रा अलग किस्म के कैरेक्टर्स के लिए. तो फिर ये हुआ कि अच्छा यार ये ज़रा अलग है तो ये फैसल से करवाते हैं. अच्छा नहीं ये ज़रा अलग है ये फैसल से करवाते हैं. तो ऑटोमेटिकली ये होता चला गया. फिर एक टाइम आया जब स्क्रिप्ट ही मेरे लिए लिखे जाने लगे कि यार अगर फैसल को लेना है तो फिर इस तरह का कैरेक्टर होना चाहिए, अगर हम ये कास्टिंग कर रहे हैं तो फिर ये इस तरह का प्ले होना चाहिए. तो वो उस सिलसिले में फिर मैं लकी होता चला गया कि मेरे पास जो स्क्रिप्ट्स आते गए वो अलग कैरेक्टर है, वो अलग. अच्छा फिर अगर कहानी थोड़ी सी अरीब करीब है तो मेरी कोशिश रही कि अच्छा उसको फिर कैरेक्टर को जैसे अलग करूं. जैसे मैंने बशर किया, मुझसे पहले मेरे कुछ सीनियर्स कर चुके थे, मैंने उसको ज़रा अलग करके किया. फिर मुकद्दर किया. मुकद्दर का कैरेक्टर जिस तरह का था उसको मैंने थोड़ा सा टोन डाउन किया, हालांकि बहुत ऊपर था. मैंने उसको बहुत टोन डाउन कर दिया, उसको बिल्कुल ही मैं नीचे ले गया. और मेरी उसमें इंस्पिरेशन मेरी ज़्यादातर, मैं आपको मज़े की बात बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनमें इंस्पिरेशंस मैंने अपने बहुत सारे सीनियर एक्टर्स से ली. मुकद्दर की आपने बात की, अल्लाह जन्नत नसीब करे, शफ़ी मोहम्मद शाह साहब. सो बाकायदा तौर पे उनकी इंस्पिरेशन थी वो. मेरा एक रंग लागा चला, उसमें मैंने तलत साहब से एक इंस्पिरेशन ली. मैंने तलत साहब टाइप थोड़ी सी आवाज़ बना के मैंने कहा कि इसको इस तरह से करते हैं. फिर अभी मेरा हुक चल रहा है, फ़र्क चल रहा है, अच्छा रिस्पांस है. फ़र्क का बहुत ज़्यादा रिस्पांस है, हुक का ज़रा कम आया. बट ये है कि जो लोग देख रहे हैं, क्यों लगता है कि कम आया? व्हाई डू यू थिंक सो? पता नहीं, शायद कुछ स्टोरीलाइन कुछ, हाँ थोड़ा कुछ मुझे, मैंने भी देखा तो शायद कुछ मुझे कहीं एक दो जगह पे. लेकिन ये आपको लगता है वो? हाँ. तो ऑडियंस रिएक्शन तो अलग है ना, जो देख रहे हैं वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं. पर लोग अब, मेरी कोशिश जो आपका जो सवाल है वो रेलेवेंट होने का, वो ये है कि मैं अब जैसे मैंने जनवरी में लास्ट शूट ख़त्म की है, दिस इज़ फेब, मार्च, अप्रैल, मई तक मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. बिकॉज मैं अभी सोच रहा हूँ कि क्या करना है. बिकॉज अभी दिमाग ज़रा बंद हुआ हुआ है. मुझे से राइटर्स के ऊपर एक ब्लॉक आ जाता है ना. तो आपको लगता है आर्टिस्ट ब्लॉक भी होता है? शायद होता है. और कुछ ऐसा एक्साइटिंग नहीं समझ में आ रहा है.
कुछ ऑफर्स आई हैं बीच में, बट आई एम वर्किंग ऑन इट कि अच्छा अगर देखता हूँ इसको इस तरह से किया जाए तो क्या होगा उस तरह से. तो हर स्क्रिप्ट को मैं 4-5 एंगल से पढ़ता हूँ, मैं सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि अच्छा मैं इसको किस तरह से लेकर आ सकता हूँ. तो वो एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है मेरे लिए. और जब शूट शुरू होती है तो शुरू के 4-5 दिन डायरेक्टर के लिए मैं बहुत बुखार होता हूँ, फिर उसके बाद में सही हो जाता. तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, पर यह है कि इस तरह से हम काम करते हैं बिकॉज काम तो करना है, आपको काम तो करते रहना है, काम नहीं छोड़ सकते हम. ये सीन है. अगर आप लाइक गोइंग बैक इन टाइम, अगर आप 25 ईयर ओल्ड 25 साल आप फैसल से मिले जो अभी शायद करियर के पीक पे हो या वट एवर यू आर डूइंग एट दैट टाइम, क्या एडवाइस देंगे खुद को? 25 साल फैसल, आई कैन एक्चुअली पिक्चर यू. कि मैंने शुरू में ना जब हमारा वो जो एक पीरियड चल रहा था, मैंने आई वॉज 25, आई रिमेंबर आई वॉज इन लाहौर, आई थिंक बूटा ही कर रहा था मैं शायद, तो या शायद बूटा कर चुका था, आई थिंक कर चुके थे, कर चुका था, कर चुके, दिस इज पोस्ट बूटा. हाँ, तो एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस वक्त हम बड़े लीनियंट थे बहुत सारी चीज़ों में, मतलब वी डोंट वर्क ऑन यू नो, हम बहुत ज़्यादा जोर हमें नहीं लगाना पड़ता था. आप हिट हो गए ठीक है, आपका पेट निकला हुआ है, आप किसी भी तरह के हैं, आपको लोग बस आपके कैरेक्टर को देखते थे, आपकी एक्टिंग को देखते थे. अब चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं, मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त तरह से जो है ना वो चूँकि अब बढ़ता जा रहा है, तो अब चीज़ें रिवॉल्व हो रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, इंटरनेशनली जा रही हैं. आज आपका ड्रामा चलता है, कल पूरी दुनिया में लोग यूट्यूब पे देख लेते हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम पोर्टल्स पे चले जाएंगे. पोर्टल्स पे चले गए तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. सो एडवाइस यही है कि मतलब अच्छा अच्छा काम करते हैं, और क्या एडवाइस दूंगा मैं अपने आप को ही. इंडस्ट्री ने आपको सबसे बड़ा लेसन, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, क्या दिया है? जब आप पे बुरा वक्त है, कोई आपका नहीं है. सुन ले, नहीं है कोई भी. कोई भी नहीं है, मैंने देखा है. मैं एक बहुत बड़ी मिसाल दे सकता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा उनका क्योंकि खयानत हो जाएगी. नहीं, खयानत हो जाएगी. व्हेन ही वाज अ स्टार, मैंने दुनिया को उनके आगे पीछे घूमते हुए देखा. फिर उन पर डाउनफॉल आया. जब उन पर डाउनफॉल आया, वही लोग जो उनके आगे पीछे घूमते थे, वो उनको देख के कहते थे कि यार ये मनहूस इंसान सेट पे कैसे आ गया. देन ही बाउंस बैक. और जब उन्होंने बाउंस बैक किया तो वो आज तक काम कर रहे हैं और आज तक वो एक पोजीशन पे. फिर वही लोग जो उनके बारे में इस तरह की बातें करते थे, वो उनके कदमों में बैठ गए. तो ये हमारी इंडस्ट्री में ये बहुत है कि एकदम से वो आपसे मुंह फेर लेते हैं. जब काम होता है तो वो आपके कदमों में बैठ जाते हैं. तो ये तो हमारी चढ़ते सूरज की पूजा है इस इंडस्ट्री में. इसमें मैं डिसएग्री नहीं करूँगा इस बात से. यार आपने कदमों वाली बात की तो मुझे कुछ याद आ गया. को पता है क्या याद आया? कदमों में बैठने वाली बात कर रहे हैं. जी, बिल्कुल बिल्कुल. मुझे ज़रा बताएं वो क्या हुआ है, ये मुझे बताएं. आपने वैसे यू ऑलरेडी लाइक गिवन योर टू सेंट्स, आपने ऑलरेडी आप वोकल हो चुके हैं. फैस फेस्टिवल की बात कर रही हूँ, जावेद अख्तर की, जावेद की बात कर रही हूँ मैं. तो मुझे बताएं कि वॉट इज़ उसकी जो आपका टेक तो हमने देख लिया, इसके अलावा आपको ओवरऑल आपको क्या लगा कि ये एक आर्ट्स जो होता है आपकी सारी दरारों को दूर करता है. ठीक है, कुछ लोग उनको भी कह रहे हैं कि उनसे ऐसा सवाल किया क्यों गया. बिल्कुल सही बात है, उनसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था. अगर आर्ट और कल्चर की जगह है, अगर मीटिंग प्लेस है, तो आप ऐसा सवाल उठाते ही नहीं. हाँ, एक तो देखें सबसे बड़ी बात ये थी कि उस जगह पे वो सवाल नहीं करना चाहिए. बिल्कुल, बिल्कुल. जो कि गलती है, जिन्होंने भी किया उनकी गलती है. उनको लेकर आए वो कौन थे जिन्होंने सवाल किया? बिल्कुल, ये हमें पता होना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्होंने ये सवाल किया. फिर जावेद साहब, मैं चूँकि आर्ट्स एंड कल्चर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जावेद साहब की बड़ी सर्विसेज हैं इस हवाले से. मैं पर्सनली जैसे गुलजार साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं राहत इंदौरी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ,
अगर हम अक्रॉस द बॉर्डर बात करते हैं, जावेद साहब का काम कंटेम्प्रेरी है. कुछ चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी लिखी हैं, उनकी कुछ चीज़ें बहुत आउटस्टैंडिंग हैं. पर वहाँ पे बैठ के थोड़ी सी, चूँकि ला इल्मी मैं कहूँगा उनको थी, कि उन्होंने कहा कि जी हम मेहदी हसन साहब को हमने बुलाया, नुसरत साहब को नहीं. ये तो बहुत ही गलत बात है, ये तो बहुत ही आउट ऑफ लाइन. देखें, मैं उस पर मैंने अपने वीडियो में भी यही कहा, मैंने कहा जगजीत साहब को तो मैंने 4 दफ़ा कराची में सुना है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमने नहीं बुलाया. लता जी को नहीं बुलाया, लता जी इस तरह से आती भी नहीं थी. लता जी की दोस्ती नूरजहाँ साहिबा से थी. वो नूरजहाँ साहिबा जब भी जाती थी वो उनके घर जाती थी और उनकी बहुत दोस्ती थी. फिर उसके बाद और बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनसे मैं कराची में मिला हूँ, और बहुत सारे सिंगर्स हैं जिन्होंने हमारे OSTs गाए, जैसे KK जिनका जिनकी अभी डेथ हुई है. उन्होंने मेरा एक सीरियल था गोस्ट, उसका गाना गाया. सोनू निगम ने हमारी फिल्म्स के गाने गाए, यहाँ के परफॉर्म भी किया. फिर उसके अलावा और बहुत सारे एक्टर्स हैं, शौकत खानम को प्रमोट करने के लिए आमिर खान तशरीफ़ लाए, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, रेखा जी, ये सारे आए यहाँ पे फंड रेजिंग के लिए. सैफ अली ख़ान ने आके यहाँ परफॉर्म किया था, बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ था, फ़खर ने करवाया था. सो हमारा मिलना जुलना आना जाना सब था. एक ज़माने में धर्मेंद्र साहब और राही साहब की बड़ी दोस्ती थी, मोहम्मद अली साहब, मनोज कुमार साहब की बहुत दोस्ती थी, नदीम साहब ने जाके हिंदुस्तान में काम किया. सो ये चीज़ें जो हैं बड़ी नॉर्मल हैं, इनमें कोई गलत बात नहीं है. आप अगर देखते हैं तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड हमसे ज़्यादा लड़े हैं, उनकी लड़ाइयाँ हमसे ज़्यादा हैं. अगर हम पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम तो 3 दफ़ा लड़े, वो तो कितने 100 साल लड़ते रहे आपस में, लेकिन उनके एक्टर्स आपस में काम करते हैं. आपस में काम UK में करते हैं, रहते स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड में काम करते हैं, रहते UK में. वहाँ पे तो ये वाले मसले मसाइल नहीं है, बिकॉज आप आगे निकल चुके हैं. मैंने जब भी इस हवाले से बात की है, जब पाकिस्तान पे बात आएगी, जब भी पाकिस्तान पे बात आएगी मैं तो बोलूँगा. मेरी ज़मीन पे बात आएगी, मेरे मुल्क पे बात आएगी. मुल्क से बढ़ के तो मेरे लिए कुछ नहीं है, इसी मुल्क ने सब कुछ दिया है. अब वहाँ पे जाके आप बयानात सुने कि वहाँ के बयानात क्या आ रहे हैं, जावेद अख्तर साहब ने घुसकर हमला किया. कंगना द ग्रेट. हाँ, अब मुझे हंसी भी आई इस बात पे, घर में घुस के मारा. हाँ, वाज़ द वर्ड. हमें कोई डर नहीं है, हिंदुस्तान जाके हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं, वहाँ पे जाके ये जवाबात हम भी दे सकते हैं. मैं शर्त लगा के कहता हूँ, आपने सब छोड़ें, क्रिकेट मैच, एक इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच पाकिस्तान में हो रहा है, अगर वो कहीं से क्लिप्स मिले निकाल के लगाइएगा, आप देखिएगा जब इंडियन क्रिकेटर शॉट मारता है तालियां बजती हैं, छक्का मारता है तालियां बजती हैं, आउट करता है तालियां बजती हैं, शोर मचाते हैं, हमारे लोग सपोर्ट करते हैं इंडियंस को. इंडिया में मैच हो रहा है, पाकिस्तान शॉट मारता है सन्नाटा, आउट करता है सन्नाटा. शॉट्स निकाल के दिखाएं, जो बात है दिखाएं लोगों को. ये वहाँ पे इस तरह का एटीट्यूड है, हमारा एटीट्यूड अलग है. जावेद साहब ने बात की, वहाँ पे कुछ कम अकल लोग बैठे हुए थे जिन्होंने तालियां बजा दी, शायद उन्होंने पूरी तरह बात नहीं सुनी कि उन्होंने अजमल कसाब की बात की है. ठीक है, लोगों ने बात नहीं सुनी, लोगों ने तालियां बजा दी, या उनको पता ही नहीं था, या वो शायद इतने आगे जा चुके हैं सोच में कि उनके लिए मुल्क कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने तालियां भी बजाई. और थोड़ा एक फैंडम भी होती है, आई थिंक. हाँ, कुछ लोग वाह वाही में भी बजा दिए. हाँ. जैसे मुझे अनुषा अशरफ की मेरे एक बहुत अच्छी बात लगी इस पूरे सिनेरियो पे, मतलब किया कि जो एक महफिल सजी थी, आई थिंक अली जफर ने वो होस्ट किया था, जो तो उसमें लोग उनके कदमों में बैठे हुए थे. मुझे ये बात थोड़ी, मतलब वो वीडियो काफ़ी वायरल भी हुई, यू नो, तो सबका कहना ये था कि यार आपने कुछ ज्यादा नहीं चढ़ा दिया, लाइक ठीक है, इफ यू आर होस्टिंग समबडी. हमारी हमारी आदत है. हाँ. आप हिंदुस्तान से कोई भी आता है. हाँ. हम बिल्कुल पागल हो जाते हैं. पागल हो जाता है ये हमारी आदत है. हमें लगता है कि जो काम वो लोग कर रहे हैं वो हमारे पास है ही नहीं, हालांकि वी हैव, हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, हमारे पास और बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं. पर अच्छी बात है, मेहमान नवाजी करनी चाहिए. हमारा तो खासा है पाकिस्तानियों का कि हम मेहमान नवाजी कदमों में बैठ जाएं, लेकिन कदमों में बैठना तो नहीं बनता.
लेकिन हाँ वो ज़रा ज़्यादा था, ज़्यादा हो गया, मुझे लग रहा था कुछ थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आपकी आप अगर इतनी इज्जत देनी है तो फिर मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने जबकि ये देखा है, ये मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ये ना प्यार है, आप जिससे प्यार करते हैं आप इसी तरह से मेहमान नवाजी करते हैं। मैंने जैसे कुछ वीडियोस दिखाई, मुझे अल्लाह जन्नत नसीब करे उमर शरीफ साहब को, मैंने देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। पुरानी बात है कि गोविंदा जी जैसे अजीम एक्टर्स या अक्षय कुमार जैसे बड़े एक्टर्स वो उमर भाई के पैरों में बैठते थे, तो ये सिर्फ यहाँ का नहीं है वहाँ का भी है, तो ये प्यार है। ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, आप उन्होंने दावत कबूल की, वो पाकिस्तान आए, सिर्फ इस बात को अगर निकाल देते, सिर्फ उस एक बात को, तो शायद वो न जाने कितना प्यार यहाँ से समेट के लेके जाते। पर अब देखें उन्होंने क्या ठप्पा लगवाया, क्या वो दोबारा नहीं आ पाएंगे। अफसोस ये है कि अभी थोड़ा सा ये एक स्टेप था फैसल, ये बहुत बड़ा स्टेप था बड़े दिनों के बाद, बहुत बड़े दिनों के बाद। देखें ये बड़ापन है अदील का, क्यों उन्होंने उसने जावेद साहब, हालांकि 2018 में मुनिजा हाशमी साहिबा को डिपोर्ट किया गया था हिंदुस्तान से, लेकिन अदील ने उसके बावजूद वहाँ से बुलवाया कि नहीं यार, चूँकि उर्दू की तरवीज है, उर्दू के हवाले से इतना बड़ा फेस्टिवल है, तो क्यों ना एक एक बड़ा नाम है उनको बुलाना चाहिए। तो हमने कल भी हमसे एक न्यूज़ चैनल पे बात हो रही थी, तो हमने कहा एक एक ना एफिडेविट टाइप कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसपे आप, बेस नहीं करेंगे। आप कोई ना कोई सियासी कोई पूछ भी ले आपसे सियासी सवाल, क्योंकि मैंने आजकल नोट किया है कि लोगों को आदत होती है, वो तो भाई अपना काम कर गए ठीक है, आपसे पूछ भी लिया आप कहेंगे भाई ये जगह नहीं है ये बात करने की, ठीक है ना, आप कह देते हैं। हमसे भी कई दफ़ा, अभी मैं दुबई में था क्रिकेट के हवाले से हम गए थे, तो किसी ने मुझसे एक बड़ा ही अजीब सा सवाल किया, मैंने कहा जगह नहीं है क्रिकेट खेलने आया मैं, छोड़ दें इस बात को। तो इस तरह से आप टाल भी देते हैं, ज़रूरी है हाँ, तो इस तरह का एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें ये लिखा हुआ के मतलब ये नो गो एरियाज है, इस पे कोई सवाल नहीं होगा। बड़ापन देखें पाकिस्तान का, तो इतनी बड़ी बात करके वापस भी हमने जाने दिया, हम एयरपोर्ट तक छोड़ने गए सारे, वो तो करना था नहीं नहीं, बड़ापन है पाकिस्तान का, चाहे हमारी एजेंसीज है चाहे हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है कह दिया ओके फाइन जाइए जाइए। हाँ जावेद साहब का जरा रिग्रेट तो हुआ होगा थोड़ा बहुत, शायद हुआ अंदर अंदरूनी तरह से होगा। मैंने तो वही दरख्वास्त की, मैंने कहा आप इतने दिलेर हैं तो आप इंडिया में बैठ के किसी दिन, ज़्यादा नहीं सिर्फ कश्मीर के ऊपर जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उसके हवाले से बात कर लीजिए, गुजरात पे बात कर लें, गुजरात पे बात कर लें, या जो बाकी शहरों में मुसलमानों पे जुल्म हुआ है, मैंने साइड पे कर दें, मुसलमान साइड पे कर दें, इंसानों पे जो वहाँ जुल्म हुआ है उस पे बात करके दिखा दें। वो ट्वीट नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, वहाँ के एक्टर करें ना ट्वीट, एक किसी की तारीफ में लिख दें कफील हिट हुआ है ना उसके गाने के ऊपर, एक कोई ट्वीट करके दिखा दें। कोई पता नहीं मैंने कहीं देखा था इससे अच्छा किस किस का कमेंट था क्या था कि इससे अच्छा बंदा अरिजीत को बुला लेता, अरिजीत आ जाते यार, अरिजीत का लाइक यू नो क्रॉस बॉर्डर लव जो है बड़ा कॉन्सर्ट्स में बहुत करते हैं, आतिफ के गाने गा के वो करते हैं यार। मुझे लोग बता रहे हैं कोई पता नहीं 30,000 बंदा था जिसमें से कोई 18,000 पाकिस्तानी था, सोचें जरा। हमारे लोग प्यार करते हैं उनसे, मतलब जब शाहरुख की फिल्म के बारे में वहाँ डिस्कशन हो रहा था, तो जब हिंदुस्तान में ये चल रहा था कि पठान नाम क्यों रखा है, तो इसको तो ये कर देना चाहिए, हम सिनेमा को आग लगा देंगे, हम फलाना कर देंगे, तो वहाँ पे पाकिस्तानी फुल सपोर्ट कर रहे थे शाहरुख को। तो कुछ चीज़ें भाई, तो कुछ चीज़ें शुड बी बियॉन्ड पॉलिटिक्स एवरीथिंग हैं, तो उनको बियॉन्ड पॉलिटिक्स ही रहना चाहिए। लेकिन ये आपकी एफिडेविट वाली बात बहुत अच्छी है भाई, तो आइंदा के लिए आई थिंक यू नो बिल्कुल बिल्कुल लेनी चाहिए सलाह। आप ऐसी चीज़ साइन करते हैं कि आप किसी, कुछ चैनल्स हैं जिनको आप साइन करते हैं तो वो सर्टन उनके रूल्स हैं कि आप ये बात नहीं करेंगे, ये बात नहीं करेंगे, ये बात नहीं करेंगे, तो आप साइन करके देते हैं कि बॉस नहीं करूँगा, आप नहीं करते, आपने चूंकि एक दफ़ा लिख के दे दिया तो आपने दे दिया, आपने क्रॉस किया वो आपको कहते हैं। आई थिंक फॉर फ्यूचर ये होगा, मुझे लग रहा है आप तो होगा, होना तो फॉर श्योर होगा, बहुत तबाही हो गई भाई, ज़्यादा हो गया थोड़ा, ज़्यादा हो गया थोड़ा बिल्कुल भाई। मुझे ये तो बताएं, आई एम नॉट श्योर अगर आपने पब्लिकली इस बारे में कभी बात की है और सो, ये जो आपको मुस्कान नामी लड़की ने एक बार तंग किया था यार फॉर लाइक स्ट्रेट लाइक 2 वीक्स आप एक मीम थे, हाँ
मेरे घर ने मेरा भाया कि मुझे बोला मुस्कान क्या कर रही हो यार, तुम क्या कर रही हो यार, मुझे आप सही सही बताएं हुआ क्या था उस दिन, मुझे सही असल में हुआ ये कि ये लोग ना बड़ी मस्तियां कर रहे थे उस दिन काफ़ी देर से। अच्छा वो एक ब्रांड भी आया, ये सारे उस वक्त भी मस्तियाँ कर रहे हैं, मैंने उस वक्त भी इनको खामोश करवाया, फिर कुछ हुआ फिर मस्तियाँ कर रहे हैं, बहुत मस्ती के मूड में थे। फिर हुआ ये कि वो एक लड़के की बर्थडे थी, उसने केक काटा, इसने ना चिपेड़े करा दी, शी बच्चों की तरह हमारे, तो मैंने उसको बच्चों की तरह डांटा था, मेरी जो जान निकली। अब ये देखें, ये बड़ा एक लॉजिकल पॉइंट है, उसने जब उसको चिपेड़ मारी है ना, मुझे ये डर था कि वो लड़का पलट के इसको चिपेड़ ना मार, वो लड़का अगर खुदा ना खास्ता पलट के हल्का सा भी हाथ लगा देता, मेरे चैनल के नीचे खड़ी होती हैं कोई 200-300 औरतें जो कि मुझे भी गालियाँ दे रही होती हैं, मेरे चैनल को भी गालियाँ दे रही होती हैं और मेरा शो भी बंद करवा देती, ठीक है ना, जबकि उनको वहाँ का माहौल नहीं पता कि उनकी आपस में कितनी दोस्ती है, ठीक है। मेरी अंदर से ये जान निकली है, मैंने कहा यार मेरे साथ कोई 55 लोग हैं जो बेरोज़गार हो जाएंगे इस एक हरकत की वजह से, ये मैंने माइनर सेकंड में सोचा है। बिकॉज एक चीज़ हुई थी उससे बहुत पहले, मेरे एक शो पे हमारे बड़े सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने एक हमारी बड़ी प्यारी एक्ट्रेस हैं उनके बारे में कुछ कह दिया और मैं एक ना साइलेंट मोड पे चला गया, मैं कुछ बोल नहीं पाया आगे से। तो मुझे स्पेशली वसीम बदामी ने फ़ोन करके बोला कि फैसल भाई ज़िंदगी में कुछ हो जाए आपने अपना वर्जन दे देना, अपना वर्जन दे देना, आपने अपना वर्जन दे देना। मैंने कहा नहीं ये नहीं हुआ था, मुझे समझ नहीं आता मैंने क्या बोलना है यार, आई वॉज शॉक्ड। तो कहता ये आपने प्रैक्टिस करनी है कि आपने अपना वर्जन दे देना, दुनिया इधर के उधर हो जाए। मैंने कहा ठीक है, तो वो मैंने अपना वर्जन दिया था, बहुत जबरदस्त वर्जन था वो, मीम बन गई वो अलग बात है, लेकिन मुझे डर था अभी से पूछना चाहिए था कि यार आपका क्या टेक था उस पे। नहीं वो उसका कहना था कि मैंने बिल्कुल सही किया, इस तरह मुझे भी लगता है बिल्कुल सही किया, इस तरह ऑन एयर आप जा रहे हो, चाहे लड़का हो उसका कोई राइट नहीं है लड़की पे मजाक में भी यूं करने का, और लड़की और उसने तो मुस्कान का तो हाथ भी इतना भारी था, उसने तो रख के दौड़ तौड़ तौड़ तीन चिपेड़े दिए, तो मैं तो घूम गया यूं करके। मैंने कहा ये हुआ हो क्या रहा है, आप टिकटॉकर के साथ काम करेंगे अब, और टिकटॉकर के साथ काम करेंगे अब, और नहीं वो तो खैर देयर सारे बच्चों की तरह है, वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, यू वॉन्ट बिलीव इतने प्यारे हैं सब के सब। ये लोग ऐसी बातें कर रहे थे, मैं हैरान था कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, बट बहुत प्यारे बच्चे हैं और अल्लाह ताला ने ऐसी आउट ऑफ यू नो इतने हजार करोड़ों लोगों में उनको इतनी इज्जत नहीं दी है, कुछ है तो कुछ है तो उनके पास। फिर आपने एक फन वर्जन भी बनाया उसका, वो भी बड़ा क्यूट था एजाज के साथ और सारे जो वो फिर जो वो इत्तेफाक था, वो 2-3 दिन के बाद नवीद की बर्थडे थी तो हमने फिर वहाँ पे वो मस्ती कर दी। वो तो भाई वो तो क्या कर रही हो यार, क्या कर रही हो, तो पता नहीं कितने टाइम तक चला, कितने लोगों से सुना मैंने, तो दैट वाज समथिंग। तो कैसा लगता है वैसे जब ओवरनाइट आप मीम बन जाते हो, तो क्या होता है ये? हम तो बड़ी बड़ी सीरियस बातों को मीम बना रहे हैं, मुझे ये डर लगता है कभी कभी कि कहीं हम सारे मीम ना बन जाए। जो बात है तो हम बहुत सीरियस बात होती है हम उसका मीम बना देते हैं। अरे ये कोपिंग मैकेनिज्म भी है लोगों के लिए कोई सीरियस बात को लेके, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए, मतलब लेकिन एक लिमिट तक होना चाहिए, जो सीरियस बात है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यार ये इशू कुछ और है, इसके पीछे क्या वजूहत हैं, बट हर चीज़ जोक हो गई है। कभी कभी वो आपके हटती है लाइक यार क्या बार बार लेकर आप मतलब बोलते नहीं ओके विद इट, हटने वाली क्या बात है, ओके विद इट। या कमिंग टू समथिंग वेरी सीरियस नाउ कि द क्वालिटी ऑफ ड्रामास, ये बात तो भाई अंडरस्टूड है कि भाई हम ड्रामे बहुत बेहतरीन बनाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे ड्रामेज बनाते हैं और अच्छी फॉलोइंग भी हमारी है, लेकिन आई जस्ट फील कि कुछ बस जैसे आपने एक पहले भी इंटरव्यू में आपने कहा था कि भाई मेन जो टॉपिक होता है ना ड्रामों का वो है मैरिज शादी, उससे बाहर हम निकल नहीं पाते, क्योंकि बात ये जैसे आप लोग आवाम ये देखना चाहती है, लेकिन मुझे ये भी होता है कि आवाम को कुछ अच्छा दिखाओगे तो भी तो उस पर आप वो रिएक्ट करेगी फिर तो और पसंद करेगी, तो आपको क्या लगता है कि ड्रामास में व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर अस? ये बड़ा मुश्किल सवाल हो गया बिकॉज कुछ लोगों ने तजुर्बे किए उनमें मैं भी शामिल हूँ और बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं वो ड्रामे, या फ्लॉप हुए हैं बहुत लोगों ने बहुत कम देखे हैं। अभी रीसेंट टाइम में जितना एक ड्रामा जिसको मैंने प्रमोट किया शायद उसकी अपनी कास्ट ने भी नहीं किया, जिसका नाम है पिंजरा। यस
ब्यूटिफुल प्ले, लोगों ने उस तरह से नहीं देखा। देर वॉज अ प्ले रकीब से, मैं पागलों की तरह चीखे मार रहा हूँ कि यार मैंने ऐसा ड्रामा नहीं देखा है यार, और आप किसी आम आदमी से पूछ लें, उसने नहीं देखा। उसको मसला क्या है कि लोगों को ना दिदैंग बैंग बहुत पसंद है, लोगों को लार्जर देन लाइव ड्रामा बहुत पसंद है, लोगों को वो जो एक स्टार प्लस थॉट थी वो लोगों को पसंद है, ड्रामे के अंदर वाली सोच पसंद है। सो लोग जाते हैं उस तरह के ड्रामों पे, लोगों को पसंद। कहीं बीच में कोई एक बीच की चीज़, कोई परिजात हिट हो गया तो हो गया, ठीक है। अदरवाइज़ रीसेंट टाइम में अगर आप बात करें तो लोगों को शादी ब्याह लव स्टोरीज़ आप हटा के कुछ बनाएं। मैं तो जो लोग तनकीद करते हैं मैं उनसे कहता हूँ कि प्लीज़ प्रोड्यूस करें, करके देख, कम फॉरवर्ड, प्रोड्यूस द प्ले, और आप प्रोड्यूस करके जो आपके दिल में जो आप बनाना चाहते हैं आप बनाएं यार, चैनल को दें, आप कहें यार हमारी जिम्मेदारी आप चलाएं, ठीक है, तो सामने आ जाएगी चीज़। पोर्टल एक अलग चीज़ है, पोर्टल एक बिल्कुल पर्सनल आपकी अपने क्या कहते हैं पर्सनल चीज़ है, वो आप खुद सेलेक्ट करते हैं, खुद देखते हैं, वो फ्री टू एयर नहीं है। फ्री टू एयर में जो लोग 8 से 9 या 9 से 9:30 बैठ के ड्रामा देखते हैं, जो उनको देखना है आपने वो उनको दिखा दिया, वो ड्रामा हिट है। और वो साइकी समझना जो चैनल पे लोग बैठे हैं उनको पता, तो वो कई दफ़ा हम भी बड़ा कोड़ रहे होते हैं। अभी मेरा फ़र्क चल रहा है कुछ चीज़ों में, कहता था यार एहसन भाई, तो एहसन भाई कहते थे भाई देख लेना, और वही हुआ, फ़र्क हिट है, मैं चाहे जो मर्जी कर लूँ फ़र्क हिट है, लोग देख रहे हैं। और मैं यूँ उठा के मैंने कहा यार अच्छा ये भी है, ये भी है, ये ऐसे सही है, उन्होंने कहा कहते ठीक है इट्स ओके। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैं एक थी लैला मैंने किया, मैंने कहा शायद लोग पागलों की तरह उसका जवाब देंगे, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि एक थी लैला भी चला है। जो बात जिन्होंने देखा है उन्होंने बहुत तारीफ़ की है, बहुत तारीफ़ की है, लेकिन बाकी जनरली लोगों ने नहीं देखा, तो ये है नतीजा। इसके अलावा आपको कौन सा लगता है कि जो ऐसा कोई प्ले, ऐसा कोई किरदार आपने किया, ऐसे तो कभी अनएक्सपेक्टेड भी होता है कि कोई अपने किरदार किया, बोलता है यार ये नहीं चलेगा लेकिन वो चल जाता है, ऐसा आपके साथ कभी और क्या हुआ है, अब हुआ है कि मतलब कोई ऐसा किरदार किया यार आप वो आप समझते हो आपको उस पे वो वाला रिस्पांस नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था? जैसे मैंने नाराज किया था, नहीं यार वो तो गुड आपने देखा, फिर हमने किया था सब्स परी लाल कबूतर, वो तो ठीक है, वेरी हार्ड हिटिंग, वेरी हार्ड हिटिंग, वेरी ओ माय गॉड। तो ऐसे कुछ ड्रामे, मतलब मैं और आसिफ साहब भी कभी मिलते हैं तो आसिफ साहब कहते हैं यार ये दुखता है मेरा दिल जब मैं सब्स परी लाल कबूतर के बारे में जो बात है, बिकॉज बहुत अलग चीज, बहुत अलग था वो, तो अलग, इट वाज वेरी डार्क, वेरी डार्क, वेरी डार्क। नाराज वाज वेरी, बहुत ग्रिम्पी था, बहुत पेनफुल था देखना उसको, मतलब मेरी माँ ने मुझे कह दिया था कि मैं नहीं देख पा रही हूँ, फिर मैंने रियलाइज किया कि ओके शायद इस वजह से भी ये होता है। तो ऐसा करें ना आप, मेरी जरा बिनिशा जैसा कोई ड्रामा बनाने दोबारा, मजा आ जाएगा। वो तो बन गया, वो तो अब बार बार थोड़ी बनेगा, कुछ ऐसा कुछ कर ले भी है वैसे तो, और भी बहुत सारे वो वाला जो है ना, जो मेरी जरा बिनिशा की सुप्रीमेसी, हाँ वो तो आई थिंक कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। मेरा पर्सनली मुझे घोस्ट बहुत पसंद है, एक 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 अलग स्टोरी है, अलग स्टोरी, पर देखा लोगों ने, जब जब भी जिसने देखा है उन्होंने रिकॉल ज़रूर किया उसको। पर यह कि देखें आने वाले दिनों में लोग कोशिश में, इस कोशिश में है कि थोड़ा सा रिवॉल्व किया जाए कहानी को, मतलब तो कब तक हम एक ही जैसी कहानियाँ बनाएं। आई थिंक हमें थोड़ा सा OTT प्लेटफॉर्म में भी ब्रेक करना चाहिए, एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट उर्दू फ्लिक्स एंड ऑल, आई थिंक बियॉन्ड दैट, तो उस पर आई थिंक आप लोग एज एन एक्टर्स कम्युनिटी, एज अ टैलेंट कम्युनिटी, आप लोग का क्या टेक है? आप देखिए अभी मुझे एक OTT प्लेटफॉर्म की एक सीरीज ऑफर हुई, पैसे समझे कि ऐसे थे कि सिर्फ मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल सकता था उन पैसों से, ठीक है, मैंने किया, मैंने कहा मैं करूँगा, मैं टाइम निकाल के, मैंने 10-12 दिन निकाल के मैंने वो सीरीज़ की,
अब वो पड़ी हुई है उस पर, जिसने देखनी है वो देख ले। तो बात ये है कि हम ये कर लेते होते हैं कि यार चलो पैसे नहीं है नो इशू, काम दिखाओ, काम दिखाओ अगर काम है तो अंदर का एक्टर जो है ना वो कहता है कि बेटा बिजनेस साइड पे, मतलब बीवी मेरी मुझे कह रही है क्या कर रहे हैं आप, कितने पैसों में काम कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ये मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे लिए ज़रूरी है। तो इस तरह की चीज़ें कभी कभी, एक थी लैला करके बड़ी तस्कीन आई, बड़ा सुकून आया, एक यू नो कि यार हाँ कर सकते हैं। तो है वाला बोला साइड भी चलता रहता है कहीं ना कहीं। शोबिज़ में ये भी एक सवाल मेरा आपसे है कि शोबिज़ में ये बड़ा है कि वैसे औरतों के लिए मतलब अदाकाराओं के साथ तो हम वैसे भी एजिस्ट हैं, आई थिंक मेल फ्रेटर्निटी जो है उनको भी फेस करना पड़ता है। डू यू थिंक ऐसा है कि जनरली जो मेकर्स हैं वो एजिस्ट हैं या आवाम एजिस्ट है, सोचते हैं कि नहीं यार बस बहुत देख लिया या समथिंग लाइक दैट, आपको क्या लगता है? देखें अगर आप एक ही अंदाज से काम करते रहेंगे, एक ही शक्ल के साथ, एक ही मेकअप के साथ, एक ही हेयर स्टाइल के साथ, या एक ही मुंह के साथ, मुंह इन अ सेंस कि दाढ़ी वही है, या लड़कियों का एक सर्टन मेकअप है वो उसी में काम किए जा रही है, तो वो एक टाइम तक देखेंगे फिर कहेंगे यार ये तो कुछ चेंज ही नहीं कर रही, फिर कैरेक्टर्स भी एक जैसे हैं, ठीक है ना। सो लॉन्ग टाइम रन करने के लिए जैसे नोमी भाई हैं, एवरग्रीन है, ठीक है ना, नुमान एजाज, शबीर भाई हैं, आप उनको देखें एवरग्रीन है, कभी अंकल आप तो कब से काम कर रहे हैं, आंखें नहीं थकती हैं उनको देख देख के। तो नोमी भाई का अभी भी कोई प्ले लगाओ तो आप बैठ जाते हैं, आप कहते हैं यार मैं देख लूँ ज़रा। ये हुमायूं सईद, आज भी हुमायूं सईद का कोई ड्रामा आता है तो पूरी आवाम बैठ के जो है वो उसका ड्रामा देख रही होती है। सो बात यह है कि आप इवॉल्व करते हैं टाइम के साथ ना, थोड़ा थोड़ा लगे रहते हैं, या कुछ यूँ कर लेते हैं, कुछ यूँ कर लेते हैं, कुछ यूँ कर लेते हैं। मेरी भी यही कोशिश रहती है। कुछ ख़वातीन हैं जिन्होंने ना मेकअप चेंज किया, ना स्टाइल चेंज किया, ना कैरेक्टर्स चेंज किए, वही की तरह के कैरेक्टर। लोगों ने कहा यार उधर भी माँ बनी है, यहाँ भी माँ बनी है, वहाँ पे भी ये कर रही है, वहाँ पे भी ये कर रही है, ये यहाँ पे भी मज़लूम बहू है, वहाँ पे भी मज़लूम बहू है, यहाँ पे भी ये है, वहाँ पे भी। तो वो लोग ना बड़े वो हो जाते हैं। तो इसी वजह से एक्टर्स को जो कैरेक्टर्स चूज़ करने होते हैं ना वो बड़े वाइजली करने होते हैं। तो उस पर चूँकि आजकल के दौर में तो वो एक टाइम गया जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते थे, आपको देन एंड देयर आपको रिस्पांस मिलता था और आपका दिल खुश हो जाता था। अब वही टाइम आ गया, आपका ड्रामा टीवी पे चला, आप यूट्यूब पे कमेंट खोल लें 2 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी है। सही बात है, ठीक है ना। इंस्टा पे आपने कोई वीडियो डाली दूध का दूध पानी का पानी है, कह रहे यार अब वही किया जा रहे हैं आप, वही किए जा रहे हैं। तो उस उनसे बचने का ये तरीका है कि आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को थोड़ा चेंज करते रहें, कैरेक्टर्स चेंज करें, वार्डरोब चेंज करें, अपना स्टाइल चेंज करें। अपनी एक्टर का जो काम है कि एक छोटे से पॉज से पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाता है। एक सिर्फ आप एक ड्रामे में आप अपना राइट हैंडर हैं, आप लेफ्ट हैंडर अपने आप को ड्रामे में कर लें, पूरा पॉस्चर चेंज हो गया आपका। चलने में आप टांग छोड़ के चलते हैं, आप टांग छोटी करके चलना शुरू हो जाएं, पूरा पॉस्चर चेंज हो गया। बैठना है, खड़ा होना है, हर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, मतलब बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो आप करते हैं, तो जिसके बाद आपका पूरा एक आप स्टाइल ही चेंज हो जाता है, तो आप अलग लगने लगते हैं। कोई ऐसा कैरेक्टर या कोई ऐसा भेस, कुछ भी, आपको क्या लगता है कि दिस इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू डू, लाइक जो चेकलिस्ट होती है ना? रिसेंटली तो नहीं, पिछले कोई 4-5 साल से मुझे जो चीज़ें, मैं ये बड़ा सच बोलने लगा हूँ, हम साउथ एशिया के बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके अंदर ना कहीं जाके एक टॉम क्रूज फंसा हुआ है, ठीक है, फंसा हुआ है, माने आप मेरी बात। तो हम सबको वो जो एक स्पेशल, वो जो एक सीक्रेट एजेंट टाइप कैरेक्टर होता है जिसमें एक्शन होता है, जिसमें यू नो लाइक और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हम सबको करने का बहुत शौक है। तो वो कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाऊं जिसमें इस तरह का मेरा कोई कैरेक्टर हो और उसको बड़ा जो है वो रेलेवेंट रखा जाए कि किस तरह से होता है। आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग लाइक दिस, बट देखते हैं
क्या होता है? कुड बी हो सकता है मैं आपका नेक्स्ट इंटरव्यू ऐसे करूँ, आप बोले कि यार ऐसा कोई प्रोजेक्ट है मैं आपका हूँ, कि अच्छा कैसा लगा ये प्ले करके, हाँ हो सकता है, मैनिफेस्ट करते हो आप, अल्लाह करे। ये बकेट लिस्ट है आपकी? हाँ, मेरी बकेट लिस्ट में इस तरह के तीन चार कुछ तीन चार कैरेक्टर। और कौन है? जैसे अब तो खैर मैं उस एज से निकल गया कि कोई स्पोर्ट्समैन का कैरेक्टर करता, कोई बायोग्राफी करता किसी की। अच्छा। मेरा बड़ा दिल था। फिर जैसे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी एक टाइम पे कि आई विश कि मैं खान लियाकत अली खान प्ले करूं। बड़ी विश थी। ये बहुत ही वैसे ऑड विश है, ये एकदम 360 डिग्री आए हैं आप। हाँ। लियाकत अली खान। हाँ, मेरा बड़ा बहुत बहुत बड़ा रोल है उनका इस अगर मुल्क की हिस्ट्री के हवाले से हम बात करते हैं तो, बिकॉज बच्चों को कायद के बारे में बहुत पता है, अलामा इकबाल के बारे में बहुत पता है, खान लियाकत अली खान साहब के बारे में भी पता है, लेकिन आई रियली वॉन्ट टू डू हिज कैरेक्टर बिकॉज उसमें ज़रा एग्रेशन ज़रा ज़्यादा है, एग्रेशन ज़्यादा है, तो यू थिंक आप अच्छा करेंगे? मुझे लगता है। अच्छा, मुझे लगता है अभी टाइम है मेरे पास, मैं कर सकता हूँ। कुछ ऐसा आ जाए आपके पास, है ना, जो देख रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसा डिलीवर हो जाए। हाँ, आपके पास है, अल्लाह करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा सोचेंगे, होगा इंशाल्लाह। मैनिफेस्ट करता है बंदा कुछ चीज़ें ना, ख्वाब देखेंगे तो होंगे ना पूरे। मैं सीरियसली चाहता हूँ, पाकिस्तान में आई हैव सीन सो मैनी पीपल, आई हैव मेट सो मैनी पीपल, इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं कि कभी कभी हम सोचते हैं ना तो हम कहते हैं कि यार इन पे क्यों नहीं फिल्म बनी, ये इतना बड़ा रेस्टोरेंट है यार, ये तो एक ठेला था आज इतना बड़ा रेस्टोरेंट बन गया, यू नो कितनी बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है यार, ये तो इन्होंने एक कमरे से शुरू किया था आज कितना बड़ा हॉस्पिटल बना लिया यार, और लोगों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं यार, कितनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है यार, एक आदमी साइकिल पर घूमता था आज पूरी दुनिया में उसका एम्बुलेंस की सर्विसेज हैं, क्या क्या स्टोरीज हैं इस मुल्क में। तो आप सोचें कि क्या कुछ किया जा सकता है, ये सारी फिल्म्स हैं जो आप अपने आने वाली नस्ल को बताएंगे नहीं कि आपके मुल्क में क्या क्या लोग रह चुके हैं जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, तो गलत है ये, खयानत है ये। मैं लोगों को यही कहता हूँ, खयानत है ये कि आप वो हिस्ट्री पास नहीं कर रहे। हिस्ट्री पास करना बहुत ज़रूरी है, क्या क्या क्रिकेटर्स आपके मुल्क में हैं, क्या क्या स्पोर्ट्स, जहांगीर खान जैसा एक आदमी सोचें, एक ऐसे स्पोर्ट्समैन नहीं है जो 400 से ज़ायद नॉन स्टॉप मैचेस जीता हुआ है दुनिया में, कोई ऐसा प्लेयर बता दें मुझे, कोई नहीं है। वर्थ बायोपिक होनी बननी चाहिए इन पे तो, सोचें सर, सोचें सर। सो कितनी ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं हमारे मुल्क में, तो हमें हमारे ऊपर फ़र्ज में शामिल है हमारे, हमें सपोर्ट मिले, गवर्नमेंट की सपोर्ट मिले, चीज़ों की सपोर्ट मिले, हम क्यों ना लोगों तक ये आने वाली नस्ल को ये चीज़ें दिखाएं। हम आने वाली नस्ल को कब तक कॉमेडी दिखाते रहेंगे और वो मीम्स बनाते रहेंगे, जो बात है। हाँ, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना कुछ इस हवाले से। इन तीनों एक्टर्स में जिनके मैं नाम लूँगी, उनके पास ऐसा क्या है जो कि फैसल कुरैशी के पास नहीं है? ठीक है, वॉट इज समथिंग दैट दीज एक्टर्स हैव दैट फैसल कुरैशी डजंट? वहाज अली, He's young. He's got youth. Yes. I think आपको लगता है कि play करता है role? Youth? हाँ हाँ, जानदार बच्चा है भाई। जानदार बच्चा है। इमरान अब्बास। बहुत प्यारा है। Eyes. है ना? आँखें अच्छी हैं। बहुत प्यारा है। आँखें अच्छी हैं। इमरान अशरफ। इमरान ये brain बहुत काम करता है। मतलब he's very brainy. तो वो जो बोलता है और जो सोचता है वो कमाल है। आपको लगता है? हैं? आपको लगता है? मैं जानता हूँ। जानते हैं आपने एक जो ड्रामा देखा और वो आपको लगा ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम था आपका? बहुत सारे हैं। एक बता दें यार, टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप थ्री बता दें चले, अगर बहुत सारे हैं तो। बहुत सारे हैं भाई, वेस्ट ऑफ टाइम बहुत सारे, मैं क्या बताऊं, बहुत सारे। नहीं ना, टॉप थ्री तो बता दें। कभी-कभी होता है ना कि अबे यार ये क्या देख लिया यार, होता है। तो टॉप थ्री बता दें। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, बाहर के भी होते हैं। नहीं, पाकिस्तानी पूछ रही हूँ ना मैं आपसे। हाँ, लेकिन पाकिस्तानी जो इस तरह के होते हैं, क्योंकि मुझे रिपोर्ट देती है मेरी बीवी,
और फिर मैं देखता हूँ। अच्छा, तो मैं इसलिए उस चीज से बचा हूँ। अच्छा, सही बात है, लेकिन फिर भी जैसे अभी तो मैं यू देख के बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। हाँ, यू का द करंट सीजन वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। किधर गया भाई? हाँ, वो कैरेक्टर ही नहीं है, वो ड्रामा ही नहीं है। फिर मुझे वो देख के बड़ा अफसोस हुआ, हाउस ऑफ ड्रैगन्स। अच्छा, मैंने वो नहीं देखा। गेम ऑफ थ्रोन्स कहाँ था और ये कहाँ? फिर आपकी डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी मेजर है। हाँ, मेरी जरा। एक एक्टर या एक्ट्रेस, चलें पहले एक्टर को बता दें, जिसको शदी जरूरत है एक स्टाइलिस्ट की। किसी एक्टर को जिसको स्टाइलिस्ट जरूरत है, भाईचारे में बोल दें कि यार नहीं, आप चले जाओ अच्छे स्टाइलिस्ट के पास। अरे मैं उसको फोन करके समझा दूंगा। नहीं, आप बोल देना, किसी को मशवरा देना होगा तो अकेले में देना चाहिए। और एक्ट्रेस जिसको स्टाइलिस्ट जरूरत है, उनको भी फोन करें। एक्ट्रेसेस तो आजकल होए स्टाइलिस्ट, ऐसी स्टाइलिस्ट स्टाइल वाली लड़कियां आ रही है ना कि बंदा देख के कहता है ओ अच्छा, गुड स्टाइलिस्ट, कॉम्प्लीमेंट्स टू योर स्टाइलिस्ट। ये बहुत अच्छा हो गया है क्योंकि डिजाइनर्स इन्वॉल्व हो गए हैं, स्टाइलिस्ट इन्वॉल्व हो गए हैं, लड़कियों को भी समझ आ गया है यार पहनना, अच्छा, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। पहनना अच्छा, आपको लगता है स्टाइलिस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई है स्टाइलिस्ट? वार्डरोब वाले, मैं तो जब अभी मैं एक शो कर रहा था तो मैंने वहाज का जब प्ले देखा तो मैंने बकायदा ये बोला, मैंने कहा सेट पे इतने पैसे लगाए, चीज़ों पे इतने पैसे लगाए, मैंने कहा इनको वार्डरोब वाला एक रखना चाहिए था, मस्ट रखना चाहिए था, क्योंकि स्टाइलिंग की गेम है भाई। हाँ, बहुत ज़रूरी। भाई ऐसा कौन सा एक्टर है जिसको आपको लगता है कि एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए? आप बोलो कुछ और कर लो यार, मतलब ये नहीं हो सकता। अगर वो एक्टिंग कर रहा है, हाँ, और वो पिछले कुछ सालों से ऊपर की तरफ ही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक्टर है और उसको एक्टिंग ही करनी चाहिए। अच्छा, कुछ आए, कुछ मौसमी फल आते हैं बीच में, ठीक है, उनको पब्लिक आप खुद ही साइड पे कर इसमें कीड़ा है, इसमें कीड़ा है। चले, एक ऐसा ड्रामा जो आप चाहते हैं हर कोई देखे, समथिंग जो दैट यू वॉच्ड एंड यू वर लाइक यार ये दिखाओ लोगों को, और ड्रामे की बात मेरा या किसी का भी, अपना भी बता दें, किसी और का भी। मेरे तो खैर जिसने देखना वो देखें, मेरा अपना, मैं चाहता हूँ लोग घोस्ट जरूर देखें। घोस्ट देखें, मस्ट वॉच है वो। लेकिन रिसेंट टाइम में रकीब से और एक थी लैला। रकीब से बस माय ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट हो गया। तो टॉप 3 फेवरेट क्या होंगे आपके? नहीं, मेरे लिए जरा अपने ड्रामे काउंट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन रकीब से, मतलब उसकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं कहूँ कि यार ये लूज़ है या वो लूज़ है, यहाँ से निकले वहाँ, वहाँ से, हर बंदा उसमें तौबा, बहुत ज़बरदस्त था। तेरे बिन देख रहे हो? तेरे बिन मैंने काफ़ी एपिसोड्स देखे हैं। क्या क्या? आई थिंक इट्स, यू नो, जो यंगस्टर्स है ना, मुझे लग रहा है कि उनके दिल को पकड़ लिया उसने। वो जो लव स्टोरी है, लव स्टोरी है आफ्टर मैरिज वाले जो, और वो लोग बड़े शौक से देख रहे हैं, मतलब वाकई देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं बहुत। इन केमिस्ट्री का गेम होता है, केमिस्ट्री का बड़ा रोल होता है ना, एंड वहाज। अच्छा, वैसे अगर तेरे बिन से पहले सुना था मैंने कि दे आर बीइंग कास्ट टुगेदर, तो मुझे वो गया ओ मे बी वुड दे वर्क टुगेदर, बंदा सोचता है, लेकिन मतलब जो उन्होंने ऑन स्क्रीन जो मैजिक स्टर किया है, ओहो, नहीं, वो जो सिराज है ना, हाँ, बहुत पागल आदमी है, बहुत, मैंने फतूर किया था ना उसे, तो मुझे पता है भाई वो कोई चीज़ नहीं छोड़ता वो।